सो इससे पहले हमने एक बात की थी आप लोगों से कि CB200X जो हम लोग लेने वाले थे और यूनिकॉर्न के बारे में, मतलब थोड़ा सा ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। 1,25,000 की ये गाड़ी आती है लगभग मुंबई में, थोड़ा सिटी बाई सिटी वेरी कर सकता है। और CB200 आती है लगभग 170 के आसपास, 173 मुंबई है वो भी, तो लगभग समझ लीजिए ना 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। 160 cc और 184 cc की बाइक्स है, पावर फिगर थोड़े से चेंजेस हैं। और टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो ये जाती है 120 यूनिकॉर्न और वो जाती है लगभग 130। तो एडवेंचर बाइक है तो लगभग वो भी 120-125 जाएगी क्योंकि उसकी ज्योमेट्री थोड़ी अलग होगी। तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 km/h का डिफरेंस है अपने को। तो नॉर्मल क्रूजिंग से मतलब अपन 90-100 वाले हैं ऑल डे वाले, बट 90-100 पे अपनी गाड़ी दिन भर चलनी चाहिए वैसा अपने को चाहिए। तो ओवरऑल मैंने सोचा कि यार जब मैंने इन सब चीज़ों को कंपेयर किया तो ऐसा लगा कि यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छा पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर करती है उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि CB200X और यूनिकॉर्न 160 इसमें से अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ अपने पास लगभग एक आने वाली है और एक हम ऑलरेडी ओन करते हैं और अपने पास इंटरसेप्टर 650 भी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं कंपेयर करता हूँ, थोड़ी सी बातें करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा ज़रा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यार हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब गाड़ी बुक किए हुए लगभग इंतज़ार कर रहे हैं, बट है ना उसके ही बीच में थोड़े से ओपिनियंस आ रहे हैं। मैंने आप लोगों से अपने कम्युनिटी टैब में पूछा या फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि होंडा की तरफ से अपने दोनों गाड़ियाँ हैं, मतलब CB200X अपन ने बुक की है और यूनिकॉर्न ऑलरेडी अपने पास है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं आ रहा है ना कि जो एक बोलते ना पैसे का जो एक कॉम्बिनेशन जो बोले ना वो नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा कि भाई कैंसिल करके दूसरी ले लो, किसी ने कहा कि भाई हीरो एक्सप्रेस बहुत अच्छी गाड़ी है, या फिर किसी ने कहा कि भाई ऑलरेडी आपके पास यूनिकॉर्न है तो आप क्यों ना यूनिकॉर्न पे ही वीडियोस बनाते, और या फिर यूनिकॉर्न को ही आप टूरिंग में करो, उसमें ऐसी क्या कमी है जो CB200X में है। तो मैंने कहा यार ये बात भी बहुत सही है कि सच में ऐसा क्या है 200X में जो मैं यूनिकॉर्न को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक बार बात कर ली जाए, आप लोगों को इस बारे में पूछ लिया जाए कि दोनों बाइक्स में मतलब कौन सा हमें लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा प्लान था कि मैं आपको यूनिकॉर्न के ऊपर जा कर के ही बताऊँ, बट बाहर आ रही है बारिश तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात करते करते इस बारे में पूछ लिया जाए। कि देखिए अगर मैं यूनिकॉर्न के बारे में बात करूँ तो यूनिकॉर्न है लगभग 162 cc की बाइक है और माइलेज इसका बहुत अच्छा फैक्टर है। माइलेज प्रीवियस यूनिकॉर्न के कंपेयर में BS6 वाली यूनिकॉर्न थोड़ी सी लाइट वेट है और चलने में थोड़ी सी हल्की फील होती है, बिकॉज शायद कार्बोरेटर निकल गया है, FI आ चुका है या फिर और क्या रीज़न है मैं नहीं जानता, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो जो फील है ना जो BS6 वाला है वो 4 से सेम नहीं है, मतलब 4 की एक अलग ही लेवल था। तो पुरानी वाली यूनिकॉर्न बहुत अच्छी, बट ये भी बहुत अच्छी है। इसमें एक अच्छा बात यह है कि इसमें आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मतलब जो पुराने लोग थे BS4 वाले वो लोग भी जिस जो माइलेज बता रहे हैं वो BS6 में उससे भी ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब माइलेज आपको ज़्यादा निकल गया, ठीक है थोड़ी सी लाइट वेट गाड़ी है, तो मैंने भी सोचा मैं कुछ मॉडिफिकेशन कराऊँ। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं मॉडिफिकेशंस को, क्या ज़रूरी है अपने को मॉडिफिकेशन, क्योंकि क्या बाइक लाइट वेट है लुक्स ख़राब हो जाएगा, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा यार पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली मैं जब चलाता हूँ या तो एकदम सिटी चलाऊँगा या फिर सीधा सडनली मेरे लॉन्ग राइड्स होते हैं, लॉन्ग राइड्स मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग मेरे पिछले संडे का वीडियो देखेंगे तो उस दिन प्लान ये था कि मैं यूनिकॉर्न को लेके जाऊँ, कि फिर वही हो गया कि बारिश आ गई और थोड़ा सा पीछे ABS नहीं है और जो रोड हम जा रहे थे वो मार्शल घाट था, मार्शल घाट में बहुत ज़्यादा ट्विस्टीज आती है। तो मैं फिर पता नहीं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यूनिकॉर्न को लेकर के जाओ, सो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या हुआ उसकी जगह पे मैं इंटरसेप्टर को लेकर चला गया। इंटरसेप्टर भी अपनी जगह पे बहुत सही गाड़ी है, सिर्फ जो भी छोटा मोटा इश्यूज़ है वो रॉयल एनफील्ड की सर्विस से है, उसकी पार्ट्स क्वालिटी से है, बट राइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ऐसे अच्छा परफॉर्म करती है। और यूनिकॉर्न की बात करूँ तो यूनिकॉर्न में रेयर ABS नहीं है, तो थोड़ा सा मेन रोड के हिसाब से जब बारिश में चला थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बारिश आ रही थी रोड थोड़ी गीली थी तो मैंने नहीं ले गया। बट यूनिकॉर्न मतलब प्लानिंग है अभी अगला जो राइड होगा उसमें यूनिकॉर्न को लेके जाऊँगा, क्योंकि अब बारिश लगभग कम हो गई है, बहुत कम आती है और छोटी मोटी बारिश अपन झेल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने वही सोचा कि यार जब यूनिकॉर्न को मैं मतलब यूनिकॉर्न को मैं पहले भी राइड कर चुका हूँ, शिरडी चले गई अपनी यूनिकॉर्न, मतलब तब वीडियो नहीं बनाता था
अब थोड़े वीडियोस बनने शुरू हो गए हैं, तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहें, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक मिले। बिकॉज़ कैसे है कि अब गाड़ी सही लेना बात पैसों की नहीं है, मतलब पैसों के ऊपर भी एक चीज़ है ना, वो गाड़ी ना आपके साथ वो एक कनेक्शन होना चाहिए, आपके साथ एक वो बॉन्डिंग आनी चाहिए। अब सब गाड़ियों के साथ नहीं आती है, यूनिकॉर्न के साथ है, जैसे कि थोड़ा बॉन्डिंग बनने के लिए बाइक के साथ टाइम लगता है। अगर एक बार आपकी बॉन्डिंग आपके बाइक के साथ बन गई तो बहुत मुश्किल है फिर उस बाइक को छोड़ना या फिर ऐसे करना। तो अपना इंटरसेप्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही, अपना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इंटरसेप्टर के साथ और यूनिकॉर्न के साथ भी है। तो अभी आगे का प्लान है अपना इसमें, लेकिन बीच में हम CB 200X को भी बुक कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मन यहाँ वहाँ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं CC के बारे में बात करूँ तो यूनिकॉर्न आती है लगभग 162 CC की और माइलेज लगभग 55 से लेकर के 64 तक, 65 तक पकड़ के चलिए, डिपेंड करता है आप हाईवे पे एकदम कॉन्स्टेंट चला रहे हैं तो आपको 60 के ऊपर देती है, और अगर आप सिटी में चला दें तो 55 के आसपास देती है। तो 55 से लेकर के 65 का माइलेज बहुत अच्छा है एक 160 CC की बाइक के हिसाब से, और डिज़ाइन भी एकदम सिंपल है, आप पीछे थोड़ा सा लगेज भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। देखिए वो फीचर्स वीचर्स ना हो वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइसिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसे राइड पे ले जाते हैं तो कैसे वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आपको। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था मतलब इसमें भी पीछे नॉन ABS है, CB 200X भी पीछे नॉन ABS दे रही है तो मज़ा नहीं आया। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, एडवेंचर टूरर का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, वो उतने पैसे के हिसाब से वर्थ नहीं है। अभी जो ऑन रोड जो हम लोग अगर लेते हैं तो अपने को आती है 173,000 के आसपास की, बट 173,000 में वो चीज़ें नहीं आ रही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब देखिए होंडा ने बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी कोई गाड़ी बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करूँगा, उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट जो यहाँ हो रहा है कि जितने पैसे हम दे रहे हैं उतने फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, और ऑलरेडी अपने पास एक उसी कंपनी का दूसरा बाई प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है उसके सेगमेंट में, तो यूनिकॉर्न ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे इसमें आप लोगों की सजेशन चाहिए कि मैं यूनिकॉर्न को ही ट्रिप पे यूज़ करना शुरू कर देता हूँ और ये जो CB 200X का जो प्लान है इसे ड्रॉप करते हैं, बिकॉज जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो सेम है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बिकॉज हॉर्नेट जो है वो सिटी बाइक है, मतलब कम्यूटर बाइक है, सिटी के हिसाब से बनी हुई है, और मुझे लग रहा था कि अगर NX 200 या CB 200X जो है तो मुझे लग रहा था अगर ये एडवेंचर है तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, नीचे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, सीट हाइट है बट ग्राउंड क्लियरेंस उतना ही है, तो वही हो गया कि हम अगर कभी लगेज डालते हैं उसके ऊपर तो फिर वो नीचे टकराएगी, या फिर अगर आप कभी पिलियन को लेके बैठते हैं और फिर लगेज रखते हैं, क्योंकि टूरिंग बाइक है तो आप सामान तो लेकर के कैरी करेंगे, टूरिंग तो आप ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल बैग लैपटॉप बैग लेकर के ही आप टूरिंग कर लेंगे, तो उस चीज़ों में थोड़ा सा CB 200X ना मुझे थोड़ी खटकने लग गई है। अभी मैंने देखे यूट्यूब पे काफ़ी वॉक अराउंड के वीडियोस आने लग गए हैं उसके और रिव्यूज़ आने लग गए हैं, बट देखिए वो सारे रिव्यूज़ और वो सारी चीज़ें सिर्फ आप एक बार राइड करके आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं भी काफ़ी रिव्यू करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके देखेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी बाइक्स चलाते हैं डिफरेंट बाइक, फर्स्ट टाइम राइड करना और बाइक को ओन करना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं तो कह दूंगा कि यूनिकॉर्न अच्छी गाड़ी नहीं है, उसमें फ़ीचर्स नहीं है, बट उस गाड़ी को ओन करेंगे जब आपको उसका सर्विस कॉस्ट पता चलेगा, उसके पार्ट्स के प्राइसिंग जब पता चलेंगे, वो ओनरशिप आपको कोई भी रिव्यू में नहीं बता सकता, ओनरशिप आपको एक ओनर ही बता पाएगा कि उसके एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपनी यूनिकॉर्न के बारे में मैं बात करूँगा तो यूनिकॉर्न का जो ओनरशिप है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है उसमें फ़ीचर्स नहीं है, डिज़ाइन पुराना हो गया, बट कुछ तो नंबर वन सेलिंग है यूनिकॉर्न अब तक बिक रही है। अब 160 आने के बाद जो पुराना मॉडल जो पहले जो आता था वो हटने के बाद ये 150 को ही 160 में कन्वर्ट किया गया, मतलब होंडा को भी ये बात अच्छे से पता है कि कुछ तो है इस बाइक में, तो वो एक फैक्टर है ना जो वो काफ़ी मुझे भी अभी थोड़ा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ CB 200X को कैंसिल कर देते हैं और अपन ले लेते हैं फिर से यही बाइक, और ठीक ठाक है अपनी नीड पूरी हो रही है, और जब अपने को बड़ी गाड़ी की ज़रूरत होगी अपने पास इंटरसेप्टर तो है ही। तो अभी का प्लान है कि देखते हैं ये सैटरडे संडे को अपन जा रहे हैं थोड़ा लंबा, तो यूनिकॉर्न को लेकर के चलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मैंने मतलब लॉन्ग राइड तो किया है लेकिन वो एक था ना CB 200X को दिमाग में रख के कभी लॉन्ग राइड नहीं किया था, अभी मैं सोच रहा हूँ CB 200X को भी दिमाग में रख करके करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि गाड़ी कैसी है क्या है। बिकॉज़ देखिए
पैसे दे करके लेना, मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि पैसे आप ख़रीद नहीं सकते, आप गाड़ी कोई भी ख़रीद ले, लेकिन उसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, आपकी एक ओनरशिप होती है, आपको वो एक फ़ील होना चाहिए, एक वाइब आनी चाहिए गाड़ी से, आपको एक खुशी होनी चाहिए गाड़ी लेने के बाद। तो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुकते हैं शांति से, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि बुकिंग तो हम लोगों ने फर्स्ट डे ही कर दी थी, मतलब 12 बजे लॉन्च हुई और मैंने 3-4 बजे तक बुकिंग कर दी थी, उनका कंफर्मेशन कॉल आ गया था कि आपकी गाड़ी बुक हो गई है, तो पेमेंट वेमेंट तो मैंने पहले ही कर दी। सो मैंने मतलब बुक तो मैंने बहुत जल्दबाजी में किया था, क्योंकि थोड़ा मुझे खुशी थी कि थोड़ा यूनिकॉर्न के मतलब उसी कंपनी की तरफ से तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा, बट अब थोड़ा सा ना ऐसे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मन में ना ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। वही लेना है तो यार हीरो 200 एक्सपल्स बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा स्पोक व्हील्स है, ठीक, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, बट स्पोक व्हील्स होने का एक बेनिफिट ये है कि उसकी जो राइड क्वालिटी होती है वो काफ़ी अलग होती है, बिकॉज जो बम्प्स आते हैं वो स्पोक बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एज़ कम्पेयर टू अलॉय के, तो उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट है अपनी जगह पे। कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, मतलब कंपटीशन देखिए 200 cc का कंपटीशन आपको अच्छे से ही पता है, सारी गाड़ियाँ इसी हिसाब से बनी है कि ज़्यादा लोग खरीदे, डेली चलाने वाले लोग उसे खरीदे। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों से सजेशन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं कि कैसी रहेगी वो गाड़ी, और आप लोग अगर समझिए आप अपने लिए जब लेंगे तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अब मुझे लेना चाहिए, अगर मतलब अगर आप लोग पॉजिटिव बताते, बिकॉज देखिए मैं जितने ज़्यादा ओपिनियन ले पाऊँगा शायद मैं उतना अच्छा डिसीजन ले पाऊँगा, अगर आप लोग भी कहते हैं लेना चाहिए तो अपन फिर ले लेंगे यार, फिर बाद में कोई सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप लोग भी कहते हैं कि यार नहीं मज़ा नहीं आया तो अपन इसके ऊपर वापस से सोचेंगे और कैंसिल कर देंगे, फिर यूनिकॉर्न के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे, और इंटरसेप्टर तो है ही अपने पास, चलते रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा ज़रूर एक कमेंट छोड़ जाइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे आप लोगों को जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय, जय हिंद।